Hello guys, my name is AJ and you're watching Wrestle AJ. सो गाइज, आज के इस एपिसोड में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि क्या हमको पॉसिबली सच में हमारे जो मिस्टर मनी इन द बैंक ऑस्टिन थ्योरी गाइज, क्या वो हमको सच में कैशिंग करते हुए देख सकते हैं हमारे अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंज के ऊपर, और क्या वो हमको पॉसिबली बनते हुए देख सकते हैं दी न्यू अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन। सो गाइज, पूरा डिटेल जानने के लिए ये वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि आज की तो बहुत इंटरेस्टिंग होने लगा। अगर आप ऑस्टिन थ्योरी और रोमन रेंज के बड़े वाले फैन हो, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है गाइस, जो ऑस्टिन थ्योरी गाइस वो बन गए हैं मिस्टर मनी इन द बैंक, और एवरी ईयर गाइस क्या हो रहा है गाइस, कभी गाइस जो भी बनना मिस्टर मनी इन द बैंक बनता है गाइस, वो इधर रॉ या स्मैकडाउन के वर्ल्ड चैंपियन के ऊपर कैशिंग करते हुए दिख रहे हैं। ये सर गाइस पूरा चीज अलग हो गया, डब्ल्यूडब्ल्यूई सीन थोड़ा बदल गया, और सीन अभी ये कि गाइस दोनों ही रॉ एंड स्मैकडाउन के चैंपियन है रोमन रेंज। रेसलमैनिया 38 में रोमन रेंज ने ब्रॉक लेसनर को हरा के जीत ली थी अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। इसलिए क्या पॉसिबली ऑस्टिन थ्योरी सच में कैचिंग करते हुए देख सकते हैं रोमन रेंज के ऊपर? तो मुझे लगता है WWE ने प्रैक्टिकली बहुत ही बड़ी गलती की है, क्योंकि अगर WWE को रोमन रेंज चैंपियनशिप लेने हैं दोनों एक अच्छे मैच, तो उनको रोमन रेंज को मनी इन द बैंक मैच में हरा के भी गाइस बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव रहेगा रोमन रेंज के लिए, क्योंकि रोमन रेंज ने लास्ट 2-3 ईयर्स में इतना मेहनत किए, इतने बड़े बड़े स्टार्स को हराए कि मुझे लगता है कि मनी इन द बैंक परफेक्ट ऑप्शन बनता है रोमन रेंज को हारने के लिए। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यू का जैसे ब्रीफ केस इधर ड्रू मैकेंजर और सेथ रॉलिंस जैसे स्टार को देनी चाहिए, लेकिन ऑस्टिन थ्योरी के जरूर मुझे लगता है बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि ऑस्टिन थ्योरी एक इतना बड़ा डेवलप स्टार है नहीं कि जो रोमन रेंज के ऊपर कैशिंग करके बन सकता है द नेक्स्ट अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन। क्योंकि आप भी सोचो गाइस, ऑस्टिन थ्योरी का लेवल देखो, रोमन रेंज का लेवल देखो, रोमन रेंज का लेवल गाइस पूरा जमीन आसमान के ऊपर, रोमन को मैं ऊपर रख रहा हूँ मतलब आसमान पे, ऑस्टिन थ्योरी के जमीन में नहीं बोल रहा, जमीन आसमान का फर्क है रोमन रेंज और ऑस्टिन थ्योरी में। रोमन रेंज के जो इतने सालों से कंपनी में, ऑस्टिन थ्योरी गाइस एक साल पहले आया, इसलिए मुझे लगता है बहुत बड़ी गलती की, ऐसे स्टेज में गाइस बोलोगे लोगों ने ऑस्टिन थ्योरी को ब्रीफकेस दिए, वो चीज में रोमन रेंज 2 साल से WWE में चैंपियन है, ये बहुत ही बड़ा डिसीजन रहेगा अगर WWE रोमन रेंज से चैंपियनशिप लेके ऑस्टिन थ्योरी को देखते गाइस। आप भी कुछ सोचो गाइस, जो WWE लेवल से चीज है वो भी एक बहुत ही बड़ा चीज होता है। अभी एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, रोमन इसको जो बंदा हरा सकता है वो इधर एक प्रैक्टिकली एक बड़ा लेजेंड हो सकता है, जैसे कि जॉन सीना, रैंडी ऑर्टन, ब्रॉक लेसनर, लेकिन पॉसिबली ये सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकइंटायर भी हो सकते हैं। लेकिन ऑस्टिन थ्योरी का जो नाम है जो बहुत ही नीचे आता है, जैसे बहुत बड़ी गलती की है मनी इन द बैंक उनको देखे, जिस रिपोर्ट्स भी ऐसे कि पॉसिबली जो ऑस्टिन थ्योरी का कैशिंग होने का पॉसिबली फेक ही होने वाला है, तो मोस्ट प्रोबेबली ऑस्टिन थ्योरी का भी रोमन रेंज की कैशिंग करते हैं तो चांसेस बहुत ही कम है कि वो रोमन रेंज को हरा के बनेंगे न्यू अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन। और गाइज, अगर सर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ये वीडियो को कीजिए लाइक, और गाइज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाए, जिसके वजह से आपको हमारे चैनल के रिलेटेड सब अपडेट्स सबसे पहले मिले।